नमस्कार दोस्तों, आज 11 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, फॉक्सकॉन पुल्स आउट ऑफ 19.5 बिलियन डॉलर चिप जॉइंट पैक्ट विथ वेदांता। वेदांता के साथ गुजरात में एक फैक्ट्री स्थापित करने वाली थी फॉक्सकॉन, जिसे आप एक ताइवानी कंपनी है जो कि एप्पल का फोन तो आप जानते ही होंगे, है ना। अब नहीं मत बोलना कि एप्पल का फोन नहीं जानते, वही जो किडनी के बेचने के लिए, मतलब किडनी बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं लोगों को कि एप्पल का फोन लेना है तो किडनी ही बेच दिया, है ना। चुटकुला है, मजाक है, ऐसे ही चलता रहता है। तो वो फॉक्सकॉन असेंबल करती है एप्पल के फोन, उस कंपनी और वेदांता के द्वारा गुजरात में एक चिप की फैक्ट्री लगाने वाली थी, ये दोनों मिलकर लगाने वाले थे, जिससे फॉक्सकॉन ने अपने हाथ खींच लिए हैं। ये 19.5 अरब डॉलर का ये मामला था, तो इसके हाथ खींच लिए हैं, तो ये बड़ी न्यूज़ है। इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो चिप के लिए जो हब बनाने की मोदी प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो पाएगी, अभी ऐसे देखा जाना है। और ये अब पूरे तरीके से हाथ खींचा है या पूरी तरीके से डील कैंसिल हुई है या नहीं हुई है, इस पर भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर, ये आगे देखा जाएगा, मतलब फिलहाल अभी स्थगित कर दिया गया है, ये हटा लिया है ना। तो ये आपको देखना है कि किस प्रकार से ऐसे कंपनियां जो हैं वो कई कारणों से, इसमें कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें एक कारण ये है कि सरकार द्वारा अभी जमीन आवंटित नहीं की गई थी, साथ ही साथ वेदांता में पूंजी की कमी, जो रनिंग कैपिटल उसकी कमी की बात की जा रही थी। तो इस प्रकार के कई कारण हो सकते हैं, इंटरनल हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा इस पे सर्च करना है और देखना है ना। इसके बाद हमें जो पढ़नी है न्यूज़, वो आगे पेज नंबर 6 पे है ना। पेज नंबर 6 पे चलते हैं। AI डिसरप्टिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड इंडिया चेक, है ना। तो जो AI है वो किस प्रकार से डिस्टर्ब करेगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट को, इसके बारे में बात की गई। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ AI एडॉप्शन और नेगेटिव इफेक्ट है, अपॉर्चुनिटी क्या है ना, इसके कैसे कैसे फायदे लिए जा सकते हैं, इस पे बात पूरी की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही होगा, अभी खूब ChatGPT वगैरह का नाम खूब चल रहा है, जिससे हम कोई भी पिक्चर बना सकते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं, स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई काम हो तो उसे काम सौंप के हम निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन अभी भी मतलब इस पे बहुत संशय है और यह बहुत अभी इनिशियल लेवल पे है। और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे या भारतीय इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार की चीज़ें होंगी, पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, इसी पे बात की गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है, वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एज द न्यू कैच वर्ड, है ना। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, जो एक तरीके से आप समझें कि जो वुमेन है और जो बर्थ करती हैं, बर्थ देती हैं, तो उसके लिए जो ऑटोनॉमी होनी चाहिए, स्वायत्तता होनी चाहिए, उसके बारे में बात की गई। वुमेन के शरीर के बारे में एक तरीके से ये बात है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इन फैमिलीज एंड कम्युनिटीज प्रोस्पर व्हेन वुमेन हैव द पावर टू मेक चॉइस अबाउट देयर बॉडीज एंड लाइफ्स, इसी के बारे में बात की गई, तो आप इसे देखेंगे, है ना। NFHS का आंकड़ा भी लिया गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा भी लिया गया है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। इससे जो समरी निकल के आएगी, आप मतलब पढ़ें पहले, आप समझें इसको कि वेमेन के क्या अधिकार हैं अपने शरीर को लेके, है ना, इसी पे बात की गई है। इसके बाद है डोंट वेस्ट द वेस्ट वाटर, है ना, जो वेस्ट वाटर है उसको बर्बाद ना करें, इसके बारे में बात की गई है। जो आपको पता होगा कि भारत में जो आबादी है, पूरे विश्व की 16% आबादी है, जबकि पीने लायक पानी सिर्फ 4% है ना। तो इसी पे कहा गया है कि जो हम हेल्थ वाटर जो हम यूज करते हैं, मतलब वेस्ट वाटर जो हम वेस्ट जाने देते हैं, उसको वेस्ट मत करिए, उसको उसका यूज करिए, इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है पेज नंबर 8 पे, ग्लोबल साउथ, है ना। ग्लोबल साउथ की बात की गई है, ग्लोबल साउथ का ओरिजिन्स कहाँ से हुआ और इसका सिग्निफिकेंट क्या है, इसका महत्व तो क्या है, इसके बारे में बात की गई है। ग्लोबल साउथ वैसे देशों का कहा जा रहा है जो कि विकसित नहीं हो पाए हैं विकास के क्रम में, जो तथाकथित विकास है यूरोप का, उससे पीछे रह गए हैं
और उसी पे बात की गई है। तो आप ये ग्लोबल साउथ का टर्म कहाँ से आया, इसकी ओरिजिन कहाँ से है, और ये जो है अब इतनी चर्चा में क्यों है, इसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे, है ना। उसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है या अगला आर्टिकल पढ़ना है, वो द नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग पैलिएटिव केयर इन द फेस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। आपको पता होगा कि अभी जो डिजीज़ हैं वो नॉन कम्युनिकेबल बहुत ज़्यादा हैं, और जो हमारे रहन सहन या रहने सहने के स्टाइल हैं या जो तरीका हो गया, उसके कारण से ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे लाइक शुगर है ना, थायराइड और डायबिटीज तो बोली दिया, अभी ब्लड प्रेशर, इस तरीके के हार्ट, मतलब इस तरीके के जो डिजीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इस प्रकार जो चीज़ें हैं उसको, जैसे आप एवरी ईयर डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड रेस्पिरेटरी डिजीज आर आल्सो ऑन द राइज। उसके साथ साथ में आप ये भी देखो कि कैंसर वगैरह के मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तो आखिर इसका क्या, किस तरीके से उपाय किया जा सकता है, क्या इसके लिए मतलब उपाय किए जा सकते हैं, और इसके लिए क्या विशेष उपचार की व्यवस्था है जिसको आप पेलिएटिव केयर बोल सकते हैं। पेलिएटिव केयर के लिए क्या हमारे पास विशेष व्यवस्थाएं हैं, या वो जो हमारे स्वास्थ्य का ढांचा है उसी के अंतर्गत हमारी व्यवस्था है, क्या अलग से अलग है, क्या है पेलिएटिव केयर, इसके बारे में बात की गई है। दिस देयर पेलिएटिव केयर प्रोग्राम, हाउ मेनी नीड पेलिएटिव केयर, मतलब कितने लोगों को चाहिए, क्या गैप है ना, इसके बारे में पूरी तरीके से बात की गई है। तो समाज को लेके, समाज के बदलाव को लेके, समाज के स्वास्थ्य को लेके इस पे एक चर्चा की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, पेज नंबर 11 पे ही है, तो पेज नंबर 11 पे चलते हैं। जो अभी एक क्या है कि अमेरिका से कोई मंत्री आए हैं, और वो क्या क्या कि मीटिंग हुई है उनकी दलाई लामा से, और उस मीटिंग का विरोध किया गया है चीन द्वारा। चीन की दो सबसे कमजोर कड़ी है, एक है तिब्बत, दूसरा है ताइवान। तिब्बत की नस भारत के हाथ में है, जब चाहे वो दबा सकता है, और ताइवान तो है ही, है ना। तो इस प्रकार से भारत में जो निर्वासित दलाई लामा है वो रहते हैं धर्मशाला में, और उसी उन्हीं से मिलने अमेरिका के अधिकारी गए हैं, और इसी पे चीन ने प्रतिरोध जताया है ना। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद है, इंपोर्ट ऑफ यूरिया में ईज बाय 2025, अल्टरनेटिव फॉर्म्स विल बी रिप्लेस इट, ठीक है, पेज नंबर 12 पे ही है। जो इंपोर्ट ऑफ यूरिया है वो धीरे धीरे कम होगा, ईज बाय 2020 अल्टरनेटिव फॉर्म्स विल रिप्लेस इट, जो इसके सब्स्टिट्यूट हैं या जो इसके बदले में यूज किए जाएंगे वो धीरे धीरे इसको कमजोर कर सकता है, तो इसी पे बात की गई है, मनसुख मांडविया ने कहा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। भारत अभी आयात करता है यूरिया का, बहुत ज़्यादा आयात करता है, तो उसी पे ये बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है, राफेल्स स्कॉर्पियंस एंड जेट इंजन डेवलप्ड ऑन द एजेंडा ऑफ पीएम फ्रांस ट्रिप। पीएम जो है बेस्टिल डे पे फ्रांस जा रहे हैं, 14 जुलाई को मनाया जाता है, और इसी पे बात की गई है कि जो राफेल है लड़ाकू विमान, स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, और जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए बात की जाएगी, तो आप इसे देख सकते हैं। फ्रांस के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं, कौन कौन से समझौते हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद, एफपीआई नॉट हैविंग टू डिस्क्लोज फाइनल ऑनर इज चैलेंज इन अडानी हिंडनबर्ग केस से भी। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, आपको ये पता होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये एक टर्म है, आप इसको देखेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं ये आप देखेंगे जरूर। नॉट हैविंग टू डिस्क्लोज फाइनल ऑनर इज चैलेंज अडानी हिंडनबर्ग केस। अडानी हिंडनबर्ग केस में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में दिक्कतें हैं हुई हैं, तो ये आपको पता होगा, हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके बाद अडानी के शेयर बहुत गिर गए थे, तो इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है, इंडिया पिप्स चाइना एज बेस्ट इमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग, है ना, भारत ने पीछे छोड़ दिया है चाइना को, बेस्ट इमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा जो मार्केट है वो भारत है, और ये एक रिपोर्ट आई है, इंडिया इज ओवरटेकन सॉवरेन वेल्थ इन एक रिपोर्ट बाय पब्लिश्ड बाय मंडे, है ना, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, द इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट, है ना, यही कहा गया है। तो भारत जो है बहुत ही शानदार अभी उभरा है
इंडिया हैज़ नाउ ओवरटेकन चाइना एज द मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग। तो ये आपको देख लेना है बस। दोस्तों अभी तक आपने स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।